साथ पूजा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर को हुए तिकोनिया हिंसाकांड मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को गुरुवार यानी आज जमानत मिल गई है। आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच से जमानत मिली। यह आदेश जस्टिस राजेंद्र सिंह की एकल पीठ ने दिया है। वहीं कोर्ट ने 18 जनवरी 2022 को आशीष की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा था। वहीं तिकोनिया में हुई हिंसा के दौरान किसानों की मौत के मामले में सोसाइटी ने कुछ दिन पहले CJM कोर्ट में 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सोसाइटी ने इस घटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताते हुए 14 लोगों को आरोपी बनाया था। वहीं चार्जशीट के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को जीप और SUV से कुचला गया। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को हुई इस घटना में 4 किसानों व एक स्थानीय पत्रकार समेत 8 लोगों की हत्या हुई थी। वहीं आशीष मिश्रा व उनके साथियों पर आरोप है कि वह फायरिंग करते हुए किसानों को अपनी गाड़ी से रौंदते हुए निकल गए थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद 4 अक्टूबर को तिकोनिया थाने में आशीष मिश्रा समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। हालांकि बाद में SIT की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि यह हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत हत्याकांड है। इस मामले में पुलिस की उक्त किरकिरी हो गई, जब SIT ने पूरे प्रकरण को हत्या की साजिश बताया।